रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो सोयाबीन से है। बता दें पिछले साल सोयाबीन की कीमत 10,000 रुपये प्रति क्विंटल को पार कर गई थी। इस साल भी किसानों को सोयाबीन के भाव ऐसे ही रहने की उम्मीद है, इसलिए उन्होंने बिक्री के बजाय भंडारण पर ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन क्या उनका ये अनुमान सही साबित होगा, वरना इस साल रेट नहीं बढ़ेगा। वहीं सोयाबीन महाराष्ट्र उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में ये सबसे आगे है, लेकिन किसानों को इस साल पहले जैसा भाव नहीं मिल रहा है। हालांकि जो भाव मिल रहा है वह MSP से ज़्यादा है। सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए सोयाबीन का MSP बता दें 3,950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जबकि इस समय औसतम कीमत 6,000 रुपये तक चल रही है। आखिर इस साल अब तक सोयाबीन के दाम क्यों नहीं बढ़े, जबकि खाद्य तेलों की कीमत आसमान छू रही है। वहीं सोयाबीन एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है और ओरिगो ई मंडी के सहायक के मुताबिक सरकार के कुछ अहम फैसलों के चलते इस साल सोयाबीन के दाम बढ़ने की उम्मीद नहीं है। सरकार ने मार्च 2024 तक सालाना 20 मिलियन टन कच्चे सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना उपकर को समाप्त कर दिया है। वहीं वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 20 लाख टन कच्चे तेल का आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 और 23-24 में सालाना सोयाबीन और सूरजमुखी तेल इस निर्णय के साथ 5% के प्रभावी सीमा शुल्क और उपकर को शून्य कर दिया जाएगा और वित्त वर्ष 2022-23 और 2023 में कुल 8 मिलियन टन कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाएगी। वहीं इंडोनेशिया के पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के हालिया फैसले के साथ ही केंद्र सरकार के ताजा फैसलों से सोयाबीन की कीमतों में कमजोरी की संभावना है। वहीं उनका कहना है कि अल्पावधि में सोयाबीन की कीमत 6,700 से 7,300 रुपये के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। वहीं आपूर्ति बढ़ने के साथ साथ मांग सीमित होने के से भी कीमत 6,000 रुपये के स्तर पर आ सकती है। सोयाबीन की फसल की बुआई होनी बाकी है और ऐसे में लंबी अवधि में कीमत के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये अभी कहना मुश्किल है। वहीं हालांकि नई फसल आने तक कीमत में और बढ़ोतरी की संभावना अभी कम है। तो आज की बड़ी अहम खबरों में बस इतना ही, लेकिन और बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।